ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभे की, बढ़ते आगे। और अब बात करते हैं लखनऊ के उस मदरसे की जिसकी चुभने वाली सच्चाई एबीपी गंगा ने पिछले दिनों दिखाई थी। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि मदरसे के अंदर बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अब खबर दिखाने का असर हुआ है और प्रशासन हरकत में आया है। बाल संरक्षण आयोग की टीम मदरसे में जांच के लिए पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनमें सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह कि बच्चों को तालीम देने का दावा करने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता खुद सवालों के घेरे में। छठी पास टीचर मदरसे में टॉर्चर। वहाँ पे शिक्षक है वो सेम ही पढ़ा लिखा नहीं है। कट्टरता की पाठशाला नफरत का बीज बोया। केवल आप एक कट्टरता का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। जल्लादों का कैद खाना, बच्चों को मारा पीटा। हमने FIR के लिए उनको आयुक्त को लिखा है कि हमें इस पे तुरंत जो भी धाराएं बनती उसको एक्शन लीजिए। तारीख 28 मई, जगह गोसाईगंज लखनऊ, मदरसा बना कैद खाना। बंधक बनाए गए मासूम के पैरों में बेड़ियां बंधी, बेबसी और लाचारी इस तस्वीर के हर पहलू में दिखाई दी। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने खुलासा किया कि इस मासूम को तालीम के नाम पर कट्टरता के शिकंजे में किसी और ने नहीं बल्कि मदरसे के मौलाना ने ही जकड़ा। लैटिन में छुपे हुए थे, तुमने भागने की कोशिश करी थी, क्यों भागे? तुमको अच्छा नहीं लगता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, पहले भी भागे हो? एक बार पहले भागे हो। अब सुफा मदीनतुल उलम मदरसे पर प्रशासन के एक्शन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हमने इस मदरसे की हकीकत दिखाई तो बाल संरक्षण आयोग जांच के लिए पहुंचा और इसके बाद और भी ज्यादा हैरान करने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि जिन शिक्षकों पर नौनिहालों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, असल में वो खुद आठवीं पास भी नहीं। पहला खुलासा, छठी पास टीचर। वहाँ पे शिक्षक है वो सेम ही पढ़ा लिखा नहीं है। उसने पहले बोला कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, तो हमने कहा तुम हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ हमें, अगर हाई स्कूल पास हो तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी वो लाओ। तो जब उसको लगा कि मार्कशीट वगैरह देखी जाएगी तो तुरंत बोला कि नहीं मैं आठवीं पास हूँ। तो हमने कहा आठवीं पास का कुछ हो तुम्हारे पास हो तो बताओ। कह नहीं वो तो मैंने गाँव में किया था। मैं गाँव में किया तो कोई तो कहता नहीं हमारे पास कुछ है, तो मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि वो आठवां भी पास नहीं है। सोचिए इस तरह के मदरसे में बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही होगी, जहां शिक्षक अपनी शैक्षणिक योग्यता के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल में शामिल हैं। शायद यही वजह है कि यहां बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दूसरा खुलासा, कट्टरता की पाठशाला। केवल आप एक कट्टरता का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, केवल कुरान का उनको इतना खोफ दें और कट्टरता दिखाना चाहे कि आप मुस्लिम संप्रदाय के इतना ध्यान रखिए, आप हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़काना चाह रहे हैं। ये सब चीजें आप भविष्य देश के भविष्य के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि हमारा हम नहीं होने। जिस मदरसे में शिक्षक ही नफरत का बीज बोते हों वहाँ बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ऐसी जगह को कैद खाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तीसरा खुलासा, जल्लादों का कैद खाना। और सबसे बड़ी बात है कि हमने FIR के लिए उनको आयुक्त को लिखा है कि हमें इस पे तुरंत जो भी धाराएं बनती उसको एक्शन लीजिए और उसके बाद में 3 दिन का समय दिए। 3 दिन बाद नहीं होता तो मैं उसकी पूरी पुलिस वालों को थाने वाला आख्या लूंगी कि क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद और भी जो मदरसे पाए जाते हैं जहाँ पे ऐसी कोई बात होती है, क्योंकि वहाँ के तो कई बच्चों ने बताया कि हमको मार बहुत पड़ती है, वहाँ पे एक पतली डंडी भी दिखाई गई कि इस डंडी से मारते हैं। तो अब जो है कि ये जो बच्चों को मारपीट वाला मामला है ये मुझे लग रहा है इस मदरसे के अलावा और भी मदरसों में होता होगा। इतना ही नहीं,
चौंकाने वाले तरीके से सूबे की राजधानी में ये मदरसा बगैर मान्यता के ही चलता रहा। गोसाईगंज के मदरसे में बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने संबंधी एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम मदरसा पहुंची और वहां पर छानबीन की, बच्चों से बात की तो उन्होंने मारपीट की बात कबूली। बच्चों ने बताया कि मदरसे के शिक्षक पढ़ाई ना करने पर उन्हें छड़ी से पीटते थे। जांच टीम ने संस्तुति की है कि बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। एक रिपोर्ट बनाकर पुलिस कमिश्नरेट को सौंपी गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 3 दिन के भीतर FIR नहीं होगी तो पुलिस से सवाल जवाब किया जाएगा। अब इस मदरसे की असलियत सामने आने के बाद ऐसे ही तमाम मदरसे जांच के रडार पर आ गए हैं। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण